बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये, ठीक है। और पहले हम इसको सिंपल समझेंगे, वो जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को सिंबल्स में, है ना, नॉट इन लैंग्वेज। तो मेरे साथ साथ पढ़िए और आप कॉपी पे भी लिखिए मेरे साथ साथ, अच्छा होगा। जैसे जैसे मैं करूं एटलीस्ट ऐसे ऐसे आप करिएगा, तो आपको भी कुछ इन्वॉल्व भी रहेंगे और समझ में भी आएगा। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? प्लेसेस ए एंड बी, तो जैसे जैसे कह रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो अगर हम इसको एज ए सिंबल और एज ए ट्राइंग लें, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? दैट इज माई प्लेस ए एंड दैट इज माई प्लेस बी, ठीक है, लाई ऑन ए हाईवे। ये हाईवे ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए मेरे साथ, तो अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन समझ। और इस पे बेस हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, 4 क्या 1 और 5, यस 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। ओके, तो देयर इज ए कार ए एंड देयर इज ए कार बी, यस, एंड देयर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों कार जो है हमारे पास वो सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ए एंड बी। क्या हुआ, नेट क्यों स्लो हो गया, विजिबिलिटी क्यों कम हो गई? चलिए, तो हमारे पास एक कार ए है, एक कार बी है, सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं। सपोज करो हम यही कह रहे हैं 5 बजे स्टार्ट होते हैं, 5 PM पे हमारी क्लास हो रही है, तो एट द सेम टाइम दे स्टार्ट। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो स्पीड इज नॉट गिवन, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब 5 आवर्स में मिलते हैं। तो हम ये मान लेते हैं दे ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन इन द डिफरेंट स्पीड, ये हमारे पास है, ठीक है। सो दे मीट इन 5 आवर्स। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन है, वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि दे आर रनिंग इन डिफरेंट स्पीड। ओके, अगर डिफरेंट स्पीड पे है तभी मिलेंगे, अगर सेम स्पीड पे है तो उनमें गैप हमेशा सेम रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये ऑब्वियस है कि ए की स्पीड ज्यादा होगी, बी की स्पीड कम होगी, तभी ए उसको क्रॉस करेगा, उसको कैच कर पाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे होगा, ठीक है। इफ दैट द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो सपोज करो यहाँ जाने के बाद वो मिल जाते, ये कार ए कार बी को इस प्लेस पे कैच कर लेती, ठीक है। अगर 5 बजे दोनों चले थे और ये भी सेम टाइम दोनों स्टार्ट हुए 5:05 पे, तो 5 आवर्स इसने ट्रेवल किया बेटे, 5 आवर्स इसने ट्रेवल किया, और टोटल हमारे पास 10 PM पे वो दोनों यहाँ मिल गए। ये मतलब, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस ठीक है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है, स्पीड गिवन नहीं है। चलो मैं मेंशन कर देता हूं, ए की स्पीड हम ले लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड हम ले लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास पहले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बाद में बातें हैं, या पहले चलो यहीं तक समझ लो। अब होता क्या है, इतने में ही समझ लीजिए, तो दूसरा फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप बना। होता क्या है बेटे, आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बेटे? देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस एक ये वाली इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो दूसरी कंडीशन आप खुद अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर इसी से मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो बेटे डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और इसी से बेटे अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, ठीक है बेटे, तो टाइम हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो, सब बच्चे बताओ।
सर एक ही फॉर्मूला हुआ ये, बस आपको कौन सा निकालना है, बाकी दो को एक साइड रखना है। अब आप सब बच्चों को देखो, मैं एक बहुत अच्छी सी चीज बता रहा हूँ, ऐसे ही बिल्कुल ये देखो, इस तरह से लिखो डी एस ई, ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए डी एस टी, डिस्टेंस, डिस्टेंस से आपको ये याद रहेगा डी एस टी सब बच्चों को, ऐसे ऐसे। अब आप अगर एक अल्फाबेट को कवर करेंगे तो दूसरा अल्फाबेट, जो बाकी दो अल्फाबेट होंगे वो फॉर्मूला होगा, मतलब आप बेटे एस को कवर करो, एस को सब बच्चे, अगर आप एस को कवर करेंगे तो डी और टी की पोजीशन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, डी अपॉन टी, यस और नो बताओ, है ना। अच्छा अगर 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 आप टी को कवर करोगे तो फिर डी और एस की पोजीशन क्या है, डी अपॉन एस, यस और नो, डी अपॉन एस, है ना। और अगर बेटे अगर आप और अगर आप बेटे डी को कवर करोगे, डी को, तो एस और टी की पोजीशन क्या है, एस इंटू टी, एस इंटू टी, है ना। तो ये सब बच्चों के लिए छोटा सा ऐसे ही रफली, तो डी एस टी। अब चलो आओ देखो रफ, अब हम बात कर रहे हैं रफ, हमारे पास क्या है बेटे, ये मेरा स्पीड है, सब बच्चे प्लीज यहाँ आओ देखो इधर, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है ये हमारे पास है, और या मैं पहले टाइम लिख लेता हूँ, डिस्टेंस बाद में टाइम, और ये मेरा डिस्टेंस, ये हम बात कर रहे हैं बेटे कार ए की, और ये हम बात कर रहे हैं कार बी के लिए। तो हमने क्या सपोज किया बच्चे कि इस कार ए की जो स्पीड है वो हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर, और कार बी की हमने स्पीड कवर कंसीडर कर ली y किलोमीटर पर आवर। अच्छा कार ए को यहाँ जहाँ पे वो जिन्होंने दोनों ने जब एक दूसरे को कैच किया, ठीक है, वहां तक कार ए को कितना टाइम लगा है पहुंचने में, 5 hours, यस वेरी गुड 5 hours। तो आप क्या मुझे बताएंगे डिस्टेंस, कार ए का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बाय दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना बेटे, डिस्टेंस क्या होता है, 5x, यस वेरी गुड सब बच्चे, 5 into x, ठीक है। अच्छा कार बी की स्पीड y है, लेकिन बेटे टाइम तो उसको भी 5 ही घंटे लगे हैं, क्योंकि 5 बजे चले थे 10 बजे पहुंचे हैं, उन्होंने कहा था इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours, इट मींस बोथ कार्स ट्रेवल्स फॉर 5 hours कंटिन्यूअसली। मैं आपसे क्या कहूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं सपोज वन कार स्टार्ट फ्रॉम Delhi and one car start from Meerut, but they travel towards Dehradun. They start at 5 PM, they reach there 10 PM. ठीक है? तो इसका मतलब दोनों ही 10 बजे पहुंचे हैं देहरादून, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब समझो, अगर एक बच्चा एक दिल्ली से चल रहा है और एक देहरादून से चल रहा है, दोनों ने दोनों रिलेटिव है कि भाई जल्दी चलो मैं निकल रहा हूँ, ठीक है तुम निकलो, तुम स्लो चलना मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है, और वो चलते चलते मसूरी जाना होगा या देहरादून जाना होगा, 10 बजे वहां पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसको यहाँ समझिए, ये हमारे पास क्या होगी। अच्छा पहले बताओ कार बी की स्पीड है y, टाइम 5 है, तो कार बी का डिस्टेंस क्या होगा फॉर्मूले से, 5y होगा, यस 5y। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए, ये जो दिल्ली वाली कार है ये यहाँ से शुरू करती है दिल्ली से, और मेरठ को पार करते हुए ये पहुंचती है देहरादून, और इसका डिस्टेंस हो गया बेटे 5x, और ये जो हमारी मेरठ से चली है और ये देहरादून पहुंची है इसका डिस्टेंस हो गया 5y, ठीक है। और दोनों कार के बीच में, एक्चुअली ये भी ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जब तक जो जो चीजें गिवन है वो हम यूज ना कर लें, दोनों कार के बीच में हाईवे पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। तो मुझे आप ये बताओ, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इस 5x में, इस 5y में और इस 100 में क्या कोई रिलेशन नजर आ रहा है किसी भी बच्चे को? 5x - 5y = 100। वेरी गुड वेरी गुड। किसी और बच्चे को कुछ और भी नजर आ सकता है, बोलो शाबाश।
5x माइनस 5y इज 100 इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन कोई बच्चा दूसरे एंगल से भी इस बात को कह सकता है 5x इक्वल्स टू 5y प्लस 100. यस, वेरी गुड, मैं यही चाह रहा था बेटा. 5x का मतलब क्या है, दिल्ली टू देहरादून, और 5 फिर उसका क्या हो रहा है कि भाई दिल्ली से मेरठ प्लस मेरठ से देहरादून इज सेम, तो दोनों ही चीजें सेम है, इक्वेशन दोनों से एक ही चीज आएंगी. क्या आई वो देख लीजिए सब बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे. हमारे पास इक्वेशन क्या आई बेटे, एक तो जो मेरे बच्चे ने कहा कि सर 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, मीनिंग द डिफरेंस बिटवीन देयर डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर. कोई कितना भी चला हो लेकिन दोनों एक ही जगह पहुंचे हैं, तो अगर एक ही जगह पहुंचे हैं तो हुआ क्या, ए ने 100 किलोमीटर का गैप पूरा किया है. मतलब मेरठ से देहरादून तो दोनों कार पहुंची हैं. ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों ने कवर किया है. लेकिन हमारे पास क्या है, ए ने ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा किया है. तो 5x माइनस 5y 100 हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि भाई दिल्ली से देहरादून यानी कि 5x जो है वो 100 प्लस 5y है. लेकिन 5y जब इधर आएगा अगेन माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस 5y विल बी 100. क्या सब बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर एक बार फिर से समझा दीजिए. यस सर. क्या चीज हमारा sir. हमारा आइए शाबाश, हमने क्या लिया, अब हम इसे शॉर्ट में बात कर रहे हैं बेटे. हमने क्या लिया है बच्चे कि हमने कार ए की स्पीड x ली है. यस और नो? यस सर. यस सर. समझ में नहीं आया, प्लीज गो देयर एंड इन्वॉल्व हो. और कार बी की स्पीड मैंने y ली है बेटे, है ना? यस सर. चलो ये हमने कंसीडर कर लिया. अब हम पहले एक को ही लेते हैं. तो ए को टाइम कितना लगा है, ए को, हमारे कार ए को दिल्ली से देहरादून पहुंचने में कितना टाइम लगा बेटे? 5 hours. उसने कहा है बेटे, देखो इधर उसने कहा है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours. और उसने क्या कहा था, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. तो जब सेम टाइम में चले हैं और दोनों 5 घंटे में मिले हैं, तो इसका मतलब दोनों को ही 5 घंटे चलना पड़ा है. तो दोनों का ही टाइम टेकन जो है 5 hours है. ये बात समझ में आ गई बेटे जी? तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए की स्पीड x है, ए का टाइम टेकन 5 है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. तो 5 × x हो जाएगा बेटे. ये बात बताओ समझ में आ गई या नहीं? Yes, आ गया बच्चे सबको समझ में? इसी तरह से कार बी की स्पीड बेटे y है, और कार बी का जो टाइम है वो 5 है, तो कार बी का जो डिस्टेंस होगा वो 5y हो जाएगा. लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटे कि कार ए यहाँ है, कार बी यहाँ है, और कार ए बेटे यहाँ से यहाँ पहुंची है, यहाँ, और कार बी बेटे यहाँ से यहाँ पहुंची है. तो दोनों यहाँ मिले हैं यहाँ. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो दोनों ने कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है? लेकिन ए ने एक डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है. कौन सा डिस्टेंस बेटे, दोनों के बीच में कितना गैप था? 100. आगे बेटे समझ में? तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाला डिस्टेंस बेटे 5x है, नीचे वाला डिस्टेंस बेटे 5y है. तो इसका मतलब या तो आप ये कहेंगे कि 5x कहां से, यहां से लेके यहां तक, है ना? तो आप या तो ये कहिए कि 5x इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा बेटे, 100 प्लस 5y. तो आप ऐसे लिख दीजिए, तो 5y को इधर ले आइए, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, ये कहिए. या फिर ये कहिए बेटे कि डिस्टेंस ए का जो है 5x है, डिस्टेंस बी का जो है 5y है, लेकिन ए ने बी से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है. अब बताओ आप समझ में आया या नहीं आया बेटे? यस. बीबी समझ में नहीं आया? आगे सर. हाँ जी, जिनको नहीं समझ में आ रहा बात उनकी हो रही है. देखो अब ऐसे ही, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी कोई बात नहीं. मैं कह रहा हूं मैं यहाँ खड़ा हूं और आप यहाँ हैं, और जैसे होते हैं ना दो बच्चे पकड़ने खेलते हैं, भागो को, चलो मुझे पकड़ो, तो दोनों भागे, ये बच्चा इधर दौड़ता है, दूसरा बच्चा इधर दौड़ता है. उन्होंने यहाँ जाके दूसरे को पकड़ लिया, मान लीजिए टच किया, तो अब क्या हुआ, ये हुआ
कि भाई ये वाला डिस्टेंस तो दोनों ने कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस ये, लेकिन ये पहले वाले ने इतना डिस्टेंस जो गैप था उसको भी तो कवर किया है ना, तो ये वाला डिस्टेंस पहले वाले ने ज्यादा चला। और ये कितना था? सर बी ने कम डिस्टेंस कवर किया तो उसको कम टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में? नहीं बेटी, स्पीड स्लो है, हमने पहले ही कहा था, और मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, स्पीड स्लो है ना बेटे। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, मैंने ये चीज पहले ही मेंशन करी थी सबसे पहले, कि स्पीड डिफरेंट होगी तभी वो कैच कर पाएंगे, और पहले वाले की ए वाले की स्पीड ज्यादा होगी, बी वाले की स्पीड कम होगी, तब पकड़ पाएंगे। अगर ए स्लो चले और बी फास्ट चले कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। आगे बेटे बात समझ में? यस सर। है ना भाई, आप अगर मान लो दो बच्चे दौड़ रहे हैं और आपको पकड़ना है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप तेज दौड़ोगे, वो कहीं आपसे कम दौड़ रहा होगा तभी आप उसे पकड़ पाओगे, लेकिन दोनों एक साथ भागे हैं पकड़ने, देखने मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूं तो आपको देखते हुए भाग पड़ा, तो इसका क्या मतलब कि दोनों को टाइम सेम लगा है। आप इस जगह से भागे, दूसरा दूसरी जगह से भागा, तो दोनों का टाइम सेम है, बट दोनों की स्पीड और दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। अभी आंसर आएगा तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। अब बताइए बात समझ में आई, किसी को और भी कोई डाउट? देखो अभी एक डाउट निकल के आया कि सर अगर वो बीच में गैप है तो कैसे पकड़ लिया? इसलिए पकड़ लिया बेटे कि स्पीड कम है, ठीक है? यस सर। और कोई बच्चा, किसी और बच्चे को डाउट? तो हमारे पास पहली इक्वेशन आई है 5x - 5y = 100। अब देखो एक छोटी सी कितनी सी इक्वेशन बची है सिर्फ, सब बच्चे ध्यान से, हमसे क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब ध्यान से देख लीजिए, ए ए जो है हमारे पास वो इस साइड में ट्रेवल कर रहा है, इस साइड, और बी इसी साइड टूवर्ड्स ईच अदर इस साइड में ट्रेवल कर रहा है एक दूसरे की तरफ, ठीक है? उन्होंने कहा भाई तुम भी चलो हम भी चल रहे हैं, चल दो बस जल्दी से घर से, और कहां मिल गए बीच में, अगर किसी बच्चे को दिल्ली और मेरठ का रास्ता पता हो भाई, मुरादनगर या मोदी नगर मिल गए कहीं, है ना, इस तरह से बीच में। तो क्या कह रहा है, दे मीट इन वन आवर। अब मैं चाहता हूं कि आप बनाए, मतलब दोनों सेम टाइम पे चले, इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर स्टार्टेड एट द सेम टाइम 5 बजे, ठीक है, तो वो 6 बजे मिल जाएंगे यहां 6 o'clock, तो इसका मतलब ए को कितना टाइम लगा, 1 आवर, बी को कितना टाइम लगा, 1 आवर, ये हमारे पास। अब आओ जरा यहाँ देखते हैं दोबारा से बच्चा, कि मेरे पास क्या है, ये ए है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से, ए ने ये डिस्टेंस कवर किया है टूवर्ड्स ईच अदर, बी ये कार बी है, बी ने इधर ट्रेवल किया है, ठीक है, अगेन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर है, ठीक है, कार ए को 1 आवर लगा है, कार बी को भी 1 आवर लगा है, कार ए की स्पीड एक्स है, कार बी की स्पीड वाई है, सब बच्चे रफली देखो जरा ध्यान से, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कार ए कार बी, कार ए की स्पीड एक्स किलोमीटर, कार बी की स्पीड वाई किलोमीटर, टाइम टेकन बाय ए 1 आवर, तो इन 1 आवर में ए का डिस्टेंस कितना होगा बेटे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना बेटे, स्पीड इनटू टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ हो नहीं रहा बेटे, और y इनटू 1 बी का भी टाइम बनी है, तो y इनटू 1 भी y होगा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर, बनी इक्वेशन। तो यस बेटे शाबाश, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये आपका बेटे x किलोमीटर हो गया, और ये जैसे डिस्टेंस है बेटे ये आपका y हो गया, तो वहां पे हमने डिफरेंस निकाला था कि भाई गैप जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 100, किस तरह से बनी इक्वेशन, x + y = 100, यस वेरी गुड, x + y = 100, सब बच्चे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर, है ना। अब चलो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, चलो शाबाश, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से बेटे, अब थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हुआ होगा तो यहाँ से हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है,
अब इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा भी समझे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप इक्वेशन बनाओगे. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट. थोड़े थोड़े से स्टेप आपको याद हो गए होंगे. डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर. लेट द स्पीड ऑफ कार ए. एक क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से समझ लीजिए. एक चैप्टर पढ़ने से अच्छा है इस तरह से पढ़िए कि आज से पढ़ा हुआ और एग्जाम तक माशाल्लाह और हमें एग्जाम के बाद में भी आपको याद रहे. स्पीड ऑफ कार है एक्स किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर पर आवर. यहां हम स्टार्ट करेंगे केस वन. ट्रेवल in the same direction. यहाँ पे time taken क्या है? Time taken 5 hours. आपके लिए लिख रहा हूँ, next वाले में नहीं लिखेंगे. यहाँ पे भी जरूरत नहीं है. अगर आपको समझ में आ जाए बेटे तो आप यहाँ mention करिए distance travel by a. ठीक है बेटे, कितना होगा बेटे? स्पीड इनटू टाइम. कार ए की स्पीड कितनी है बेटे? एक्स. टाइम कितना है बेटे? 5. तो क्या हो जाएगा बच्चे? 5x. एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 5y. टोटल डिफरेंस इन डिस्टेंस. डिफरेंस इन डिस्टेंस तो आपके पास क्या आएगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. क्या कॉमन है बेटे? 5. यस, 5 से डिवाइड कर दो बच्चे तो इक्वेशन बनेगी बेटे x माइनस y इज इक्वल टू 20. दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन. केस 2 सेम बेटे. टाइम ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन. इन अपोजिट डायरेक्शन टाइम टेकन 1 hour. तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे दिस टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो जैसे मैं यहाँ इक्वेशन बना रहा हूँ अभी आप बना सकते थे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100. ठीक है, आप यहाँ पे भी लिखना चाहें डिस्टेंस कवर्ड बाय ए विल बी एक्स इनटू 1x, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी वाई इनटू 1y. तो x plus y is 100. कितनी सिंपल इक्वेशंस बनी है ना बेटे? x minus y is 20 and x plus y is 100. दोनों को सिंपल ऐड कर दीजिए बेटे. 1 plus 2 y कैंसिल हो जाएगा बच्चे, है ना बेटे? तो 2x is equals to 120 आएगा. तो x कितना आएगा बेटे? 60 किलोमीटर पर आवर बेटे. ठीक है, अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, या पुट कर दीजिए. मैं पुट ही कर देता हूँ, पुट इन 1. ठीक है, तो 60 माइनस 20 40 आ जाएगा. y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. ये हमारे पास आ गया. तो यहाँ मेंशन करिए स्पीड ऑफ कार ए इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी is 40 किलोमीटर पर आवर. सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, जो हमारा केस वन है बेटे उसमें जो आपका टाइम है वो 5 hours है. ठीक है, 5 hours. तो अब आप मुझे बताओ ए का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 5 hours में? स्पीड के हिसाब से, स्पीड जो है हमारी वो 60 है. ए की स्पीड 60 है, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 300 किलोमीटर का होगा. 300 किलोमीटर है ना बेटे. और कार बी की स्पीड आई है बच्चे 40, टाइम लेकिन 5 ही है. तो इसका मतलब बी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा बेटे वो कितना कवर किया होगा? 200. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100. यस सर नो बच्चे? यस सर.
दोनों सेम टाइम स्टार्ट हुए, अलग अलग जगह से चले थे, लेकिन क्योंकि स्पीड में डिफरेंस है तो उनके डिस्टेंस में भी डिफरेंस होगा। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, दूसरा हमारे पास है कि नहीं टाइम टेकन 1 आवर है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ने सिर्फ 60 किलोमीटर कवर किया और दूसरे ने सिर्फ 40 किलोमीटर कवर किया, और दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है बेटे वो कितना आया, 100। यस और नो सब बच्चे बताओ। यस सर। आज समझ में आई थोड़ा बहुत जी? यस सर।